स्वागत है आपका इवेंट्स में। आज अपन बात करेंगे भारत वर्सेज इंग्लैंड के बीच होने वाले सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के बारे में। तो दोस्तों, इस मैच के लिए कौन होगा हमारी मेगा ग्रैंडली के लिए ट्रम्पलेट, जानेंगे पिच रिपोर्ट और देखेंगे इस वेन्यू पे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न बनता है। साथ में जानेंगे प्लेयर से रिलेटेड अपडेट में आपको बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप ड्रीम टीम का यूज करके आज के मैच में बेहतरीन टीम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट गेम जो सीरीज का तीसरा टेस्ट था उसमें मैंने देखो आपको ट्रम्प प्लेयर बताए थे, बेन डेक, सरफराज खान और कुलदीप यादव। भाई तीनों प्लेयर आप जाके लास्ट वीडियो चेक कीजिएगा जिससे आपको पता पड़ेगा, ठीक है। तीनों प्लेयर का सिलेक्शन आपको 30% में दिखेगा, लेकिन तीनों ही प्लेयर खूब अपन को पॉइंट दिए और मेगा जीएल में और मिनी जीएल में दोनों में विन करवाया। तो इस मैच में भी आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है विन करने की, क्योंकि टेस्ट मैच में ज्यादा चेंजेस आपको करने नहीं होंगे। मैं बताऊंगा वो प्लेयर भी अगर आप लेकर चलोगे तो भी आप मिनी जीएल तो हंसते हंसते विन कर जाओगे, और किस प्रकार से रोटेट करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ देखो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम 451 बना रही है पहली पारी में, और भारतीय टीम ने भाई बड़ा स्कोर बना दिया, 603 नौ विकेट पे डिक्लेयर करती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 204 पे 6 यानी कि मैच ड्रॉ हो जाता है। 9 विकेट पेसर को मिल रहे हैं और 15 विकेट स्पिनर को मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखो जो एक और टेस्ट मैच यहाँ पे खेला है, क्योंकि ज्यादा टेस्ट मैच हुए नहीं है, रांची का ये मैदान है, ठीक है। यहाँ देखो आप भारतीय टीम 497 पे डिक्लेयर करते हैं 9 विकेट खोकर, और साउथ अफ्रीका की दोनों पारी 162-133 पे आउट हो जाती है। 14 विकेट पेसर निकालते हैं, स्पिनर निकालते हैं 13 विकेट। देखो इस मैच में क्योंकि दोनों ही टीमों का बहुत ही अच्छी टीम है, इंग्लैंड की टीम भी अच्छा खेल रही है ऐसी बात नहीं, हालांकि लास्ट गेम जरूर उन्होंने लॉस किया है, लेकिन फिर भी दोनों बैलेंसिंग साइड है। तो किस प्रकार से आपको टीम बनानी, देखो स्पिनर्स आपको टीम में रखने रखने होंगे, बाकी यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके पास एडवांटेज रहने वाला है फिर से, क्योंकि जिसके भी हिस्से में चौथी पारी आती है ना लगभग वो टीम टेस्ट मैच में या तो कैसे जैसे करके वो ड्रॉ करा लेती है या फिर वो लॉस करते हैं। बाकी देखो यहाँ पे पेसर्स का भी रोल बनेगा, हालांकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, फिर भी आपको ड्रीम टीम में आज के मैच में दो पेसर आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। दो पेसर आप ले सकते हो, हालांकि और मैचों में आपको एक पेसर लेने को बोला है, लेकिन इस वेन्यू पे पेसर को ठीक ठाक विकेट मिले तो आप दो पेसर रख सकते हो। कौन से पेसर होंगे, किस प्रकार से स्पिनर होंगे, किस प्रकार से क्या जसवाल को फिर से आपको कैप्टन करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ देखो आप जो ड्रीम टीम रही है तीनों टेस्ट मैच की, आपको जो प्लेयर रेगुलर परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोनों टीमों के अगेंस्ट वो दिखेगा जसवाल, भाई कमाल की फॉर्म में, बंदा डबल डबल हैंड्रेड लगा रहा है। मैंने बोला था आपको पहले ही मैच से बोल दिया था भाई ये प्लेयर लंबी रेस का घोड़ा, ये चलेगा ही चलेगा, इसको लेकर चलना, कैप्टन बनाकर चलना। तो दो डबल हैंड्रेड इसके आ चुके हैं, तो फिर से आप देखो इसको ट्राई कर लेना, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि एक पारी खेल गया उसके बाद ये फ्लॉप होने की सोचेगा, नहीं, इसको अभी ये अपनी पीक पे है तो ये और आगे बढ़ने की सोचेगा। इसके अलावा गिल भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, रोहित शर्मा ने भी लास्ट मैच में अच्छे रन बनाए। इसके अलावा सरफराज खान भाई डेब्यूटेंट प्लेयर है, लास्ट मैच में अच्छे बैटिंग करके आ रहा है, फिर से अपने आप को प्रूव करने के लिए खेलेगा। बाकी बात करते हैं स्पिनर्स में, तो आपके लिए जडेजा कमाल की पिक रहने वाला है इस गेम में भी। देखो एक गेम जडेजा खेला नहीं था, बाकी जो जडेजा के रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे वो भी कमाल के आंकड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा कुलदीप यादव अच्छा ट्रंप पिक साबित हो रहा है हर मैच में, बुमराह इस मैच में आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा सिराज आपके लिए इस गेम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से भाई ओलिपो फर्स्ट मैच में चला, इसके बाद जेड क्रेवली दूसरे में चला, तीसरे में चला बेन डेक, यानी तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन इस मैच में आपको दो बैट्समैन इनके भी नजर आ सकते हैं अगर ये पहले बैटिंग कर गए तो, ठीक है। इसके अलावा कीपिंग की अपन बात करें तो बेन फॉक्स अच्छा चल रहा है, ठीक है, ध्रुव जुरेल क्योंकि अब केएल राहुल है नहीं, केएस बर्थ को मौका मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से इन दोनों प्लेयर्स में से फिर से रिपीट हो सकते हैं। जोनी बेस्टो की फॉर्म है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे टॉम हार्टली, रियान अहमद अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यहाँ मार्कवुड और यहाँ पे टॉम हार्टली और जियो रूट। इसके अलावा बेन स्टोक्स ने भी एक मैच में परफॉर्मेंस किया, आगे बताऊंगा किस प्रकार से आपको टीम लेकर चलने। भाई कैप्टन जसवाल खूब आ रहा है, जडेजा आ रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए फिर से रहने वाले। यहाँ देखो आप लास्ट आठ टेस्ट मैच की बात करें तो 4 बार भारतीय टीम जीती है, 3 बार इंग्लैंड, 1 मैच ड्रॉ रहा है। बात करते हैं भारतीय टीम की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली, भाई रोहित शर्मा के साथ ओपन करेगा जसवाल, उसके बाद शुभम गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार को खिला सकते हैं टीम, और मोहम्मद सिराज, या फिर ये ऐसा कर सकते हैं कि अक्षर पटेल को टीम में रख सकते हैं और रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पाटीकल को ये टीम मौका दे सकती है। यहां देखो इन प्लेयर की फॉर्म की बात करते हैं, रोहित शर्मा को देखो भाई, देखो बाकी जो भी चेंज होता है मैच रिलेटेड जो भी अपडेट रहने वाले सब मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें।
क्योंकि जब भी टॉस होगी जो भी टीम पहले बैट फर्स्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको अच्छी टीम बता पाऊंगा। प्लेयर्स रिलेटेड जो भी अपडेट होगी पिच को देखते हुए वो सब आपको वहां पे मिलने वाली है। यहाँ देखो रोहित शर्मा 12 मैचों में 975 रन 40 की एवरेज, तो अच्छा खेलता है। बाकी वेन्यू पे एक मैच खेल रखा है जिसमें डबल हैट्रिक किया हुआ है, यानी एक ही पारी आई थी जिसमें 9 विकेट पे डिक्लेयर किया था भारतीय टीम ने, ठीक है। यहाँ देखो फॉर्म देखो 131, 19, 14, 13 और 24, 39, भाई अच्छी फॉर्म में आ गया लास्ट गेम से, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वेन्यू पे भी अच्छा आंकड़े हैं इसके, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले भाई जसवाल भाई, कमाल का प्लेयर, बहुत ही कमाल का प्लेयर, 6 मैचों में 635 रन है। यहाँ देखो फॉरम 214, 10, 209, 17, 80, 15, यानी इस सीरीज में कमाल के आंकड़े रहे, बहुत ही तगड़ा खेला है जसवाल। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाला है, कैप्टन वाइस कैप्टन फिर से ट्राई कर लेना, युवा लड़का है फिर से बड़ी पारी खेलने को देख सकता है, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगा खास करके बैट फर्स्ट में। बाकी रोहित शर्मा भी इस वेन्यू पे डबल हैंड्रेड कर चुका है, तो रोहित शर्मा पे भी आप चांस ले सकते हैं। बात करते हैं शुभम गिल की, तो 7 मैचों में 314 रन है। बाकी यहाँ देखो 91 बना रहे, 34, 104 बना रहे, 23, यानी कुछ ना कुछ स्कोर एक पारी में भी नहीं चलता दूसरी पारी में चलकर आपको पॉइंट दे रहा है। तो भाई इनका टॉप ऑर्डर भारतीय टीम का बैट फर्स्ट में खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन चेज में आप इनमें से गिल पे रिस्क ले लेना, ठीक है, चाहो तो रोहित शर्मा पे भी रिस्क ले लेना, एक प्लेयर पे आप रिस्क लेकर चल सकते हो अगर जीएल में आपको फर्स्ट आना है तो। बात करते हैं सरफराज खान भाई, डोमेस्टिक मैच है इसके, 45 मैचों में खूब रन बनाए, 70 की एवरेज है। बाकी लास्ट गेम में मौका मिला तो भाई क्या कमाल का, एक में तो रन आउट हुआ दूसरे में नोट आउट था, यानी 62 और 68 की शानदार पारी, उससे पहले भी अच्छा खेल के आ रहा है। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए इस गेम में रहने वाला है, प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर है, ठीक है। पाटीदार को मौके मिले फायदा नहीं उठाया, हालांकि ये भी अच्छे रिकॉर्ड है बाकी चल नहीं पाया, 2 टेस्ट मैच में इसको मौका मिला है, देखते हैं इस मैच में टीम मौका देती है नहीं देती है, देती है तो आप जीएल के लिए ट्राई कर लेना। ध्रुव जुरेल भाई 15 मैच डोमेस्टिक के खेला है जिसमें 790 रन है, 47 की एवरेज है। बाकी फॉर्म भी ठीक है, 46, 50, 63, 69, यानी एक ही पारी में इसकी बैटिंग आई थी लास्ट टाइम, 46 रन इसने बनाए थे, लेकिन विकेट कीपर है ये, तो वहां से भाई कैच खूब आने वाले, तो उसके पॉइंट्स इसके पास आने वाले, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। अक्षर पटेल खेल जाता है देख लेना भाई, 4 मैचों में 188, 32 विकेट है, वेन्यू पे बेहतर, सॉरी वेन्यू पे आंकड़े हैं नहीं, बाकी फॉर्म में अच्छी है, 72, 2 विकेट, 44, 17, 2 विकेट, 3 विकेट, 50 रन, 2 विकेट, यानी अच्छे विकेट भी निकाल जाता है, दोनों पारी में मिलाकर रन भी बना जाता है। रविचंद्र अश्विन की बात करते हैं भाई, 21 मैचों में 1048 रन, 97 विकेट, कमाल का प्लेयर है, सर 97 नहीं इसके 100 विकेट हो चुके हैं इनके अगेंस्ट, ठीक है, 100 या 99, ठीक है, ये करेक्शन आपको करना है। बाकी वेन्यू पे 2 मैच खेला जिसमें केवल 17 रन बनाए, 3 विकेट निकाले, तो वेन्यू पे इतने कमाल के आंकड़े इसके रहने नहीं, जडेजा के अच्छे आंकड़े आगे बताऊंगा मैं आपको। बाकी फॉर्म ठीक है, लास्ट गेम में देखो ये चला गया था, बीच में मेडिकल इमरजेंसी थी, इसके घर में कोई बीमार हो गया था तो ये चला गया था, इस वजह से पूरी बॉलिंग इसने नहीं की थी, नहीं तो ये अच्छे विकेट निकालता है। बाकी देखो आप 37 रन 2 विकेट, 49 3 विकेट, 28 रन बनाए, 3 3 विकेट, यानी कि 5 से 6 विकेट इसको टेस्ट मैच में मिल जाते हैं, बाकी बैटिंग आती है तो रन भी कर जाता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा भाई। बुमराह इस मैच में है नहीं तो बुमराह की बात करेंगे नहीं। बात करते हैं कुलदीप यादव, 4 मैचों में 10 विकेट है, बाकी फॉर्म ठीक ठाक सा है भाई, ड्रीम टीम का मेंबर बन रहा है, थोड़े बहुत रन भी बनाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, 20 से 25 रन ही कर जाता है तो वो पॉइंट्स भी अपन को मिलते हैं, और दोनों बार अपने लिए तो बहुत ही अच्छी पिक रहा है, तो फिर से अपन ट्राई कर सकते हैं कुलदीप यादव को। सिराज 9 मैचों में 25 विकेट है, बाकी लास्ट मैच में 4 विकेट है, उससे पहले विकेटलेस था, 6 विकेट एक भाई, बुमराह की अनुपस्थिति में इसको जिम्मेदारी मिलेगी लीड करने की, हो सकता है ये अच्छी तरीके से विकेट फिर से निकाल जाए। जडेजा भाई 17 मैचों में 888 रन, 56 विकेट है, बाकी वेन्यू में 2 मैचों में 105 रन, जिसमें भी 2 ही बार बैटिंग आई है इसकी, ठीक है, और 12 विकेट है, तो भाई कमाल के आंकड़े हैं जडेजा के। बाकी 112 रन 7 विकेट हैंडल किया था इस गेम में एक ही पारी में, ठीक है, यहाँ 87 रन और 6 विकेट, 5 और 1, 6 विकेट इसको मिले थे, तो भाई कमाल की बैटिंग चल रही है, बॉलिंग चल रही है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। यहां से देखो वाशिंगटन सुंदर को मौका दे सकती है टीम, 2 मैचों में 181, 2 विकेट है, इसके अलावा विकेट एक ठीक ठाक ही मिल रहा है इसको। बात करते हैं पाडिकल की भाई, फर्स्ट क्लास में अच्छा करके आ रहा है, पाडिकल को मौका मिले तो ट्राई कर लेना, फॉर्म देख लो आप, बहुत ही शानदार फॉर्म है, 151, 36, 65, 21, 105। मुकेश कुमार 3 मैचों में 7 विकेट है टेस्ट मैचों में, ठीक है, बाकी 1 मैच में 4 विकेट है, सॉरी वेन्यू पे इसके 1 मैच में 4 विकेट नहीं, वेन्यू पे तो ये खेला ही नहीं, ठीक है, यहाँ ठीक ठाक से विकेट ले लेता है। बात करते हैं इंग्लैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, भाई क्रेवली के साथ ओपन करेगा बेन डेक, उसके बाद ओलिपॉप, जोरू, बेन स्टॉक्स, जॉनी बेस्टो, बेन फॉक्स, रियान नेमर, टॉम हार्टली, जेम्स एंडरसन और मार्क वुड आपको खेलते हुए नजर आने। टीम चेंज कर सकती है भाई, डे लॉरेंस को खिला सकती है, जेमी एंडरसन को बिठा के ओली रॉबिन्सन को खिला सकती है टीम, क्योंकि 2 टेस्ट मैच खेल लिया इसने, रेगुलर तो थक गया है,
हो सकता है इसकी जगह चेंज हो। बात करते हैं इनकी फॉर्म की, यहाँ देखो भाई, देखो वेन्यू पे कोई प्लेयर खेला नहीं है इनमें, क्योंकि इंग्लैंड का टेस्ट मैच अभी तक रांची में हुआ ही नहीं है, ठीक है। क्रैवली 7 मैच में 381-40 की एवरेज, बाकी 15-11-1 में दोनों पारी में 6 रन बनाया था, जिसमें ड्रीम टीम का मेंबर रहा था। पहले मैच में भी रन तो अच्छे बनाए थे, लेकिन ड्रीम टीम का मेंबर ये नहीं रहा था भाई। सिलेक्शन आपको 30 से बिलो दिखेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देखो एक बड़ी पारी भी खेलेगा, छोटी भी खेलेगा, कैसे भी करके 100 पॉइंट तक भी पहुंच गया, तो कई बार 100 पॉइंट पे भी टेस्ट मैच में भी प्लेयर ड्रीम टीम का मेंबर बन जाता है, तो ट्राई कर लेना, ठीक है। बेंटेक 5 मैचों में 306-34 की एवरेज, 153 बनाया था, उसके बाद 4, 21, 29, 35, 47 एंड रन ये भी बना रहा है। इंपॉर्टेंट पिक ओपनर रहने वाले, खासकर के अगर ये पहले बैटिंग करेंगे तो, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखो ओलीपॉप, जेट क्रैवली, हर बार इनमें रिपीट होते हुए, यानी तीनों प्लेयर्स अलग अलग मैचों में चले हैं, तो इस मैच में आपको दो प्लेयर, अगर इंग्लैंड पहले खेले तो दो प्लेयर यहाँ से लेकर चलने हैं। ओलीपॉप 10 मैचों में 585-53 की औसत है, बाकी 39-3, 23-23, 1-196, तो फॉर्म तगड़ी है भाई। प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। तीनों ही प्लेयर जब भी चले हैं, बड़े बड़े चले हैं, अच्छे पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं अलग अलग मैच में, लेकिन इस मैच में बुमराह नहीं है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर इन पे नहीं रहने वाला है, तो हो सकता है अगर ये पहले बैटिंग करें तो इनके भी रन बन जाए, तो ये तैयारी भी आपको रखनी है, बढ़िया से बढ़िया टीम आपको बनानी है। जो रूट 27 मैचों में 2603 रन है, 9 शतक है भारतीय टीम के अगेंस्ट, लेकिन रिसेंट फॉर्म में बड़ी पारियां नहीं आ रही है। 25 रन 2 विकेट, 16 रन 5 रन बनाया था, विकेट इसको नहीं मिली थी। 29 रन 2 रन उसके 5 विकेट, यानी विकेट भी ले जाता है, रन भी बना जाता है। ये प्लेयर तो आपको रखना चाहिए, जो रूट को फिक्स कर सकते हो भाई, ये पहले खेले तो इनमें से दो प्लेयर आप ले सकते हो, फिर आप भारतीय टीम के प्लेयर ले सकते हो। बैन स्टोक्स 9,63 रन है, और इसके अलावा 41-15, 47-11, 70-6 कुछ ना कुछ रन तो हमेशा बनाता है। बैन स्टोक्स इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा इस मैच में, इसके बॉलिंग करने के चांसेस, इसने खुद ने बोला है कि इस मैच में ये बॉलिंग करेगा तो इंपोर्टेंट पिक आपके लिए बन सकता है। थोड़ी बहुत रन कर जाएगा, एक आध विकेट भी मिल गई तो ड्रीम टीम का मेंबर ये बन सकता है, ठीक है। जॉनी बेस्ट तो फॉर्म में नहीं है भाई, 21 मैच में 11-25 रन जरूर है, बाकी फॉर्म एकदम से खराब है, टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग कुछ भी रन नहीं है। बैन फॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कीपिंग करता है। 6 मैचों में 177 रन है, बाकी 13-16, 36-6, 4-34 रन इसके भी इतने बन रहे हैं, लेकिन ये विकेट कीपिंग से आपको 30 पॉइंट तो एडिशनल आपको देता है ये टेस्ट मैच में। बाकी एस बासिर खेलता है तो देख लेना, 7 मैचों में 14 विकेट है, फर्स्ट क्लास में एक मैच खेला था जिसमें 4 विकेट निकाले थे। बात करते हैं जेमी एंडरसन भाई, 37 मैचों में 145 विकेट है, तो खूब चलता है भारतीय टीम के अगेंस्ट, लेकिन मैंने आपको बोला था देखो रिस्क लेना है जेमी एंडरसन पर, वही चीज भी एक ही विकेट में रह गया यार। हर मैच में अब इस उम्र में आते हुए इसको विकेट यहाँ पे थोड़ी मिलने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ी स्विंग पिच है जिसको हर मैच में विकेट मिलेंगे, नहीं, यहाँ पे जरूर 5 विकेट लेके आया था, ठीक है। बाकी हर मैच में आप पीछे के मैच उठाकर देख लो, ज्यादा विकेट ये नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। रेहान अहमद 3 मैच में 76 रन 11 विकेट है, ठीक है, तो अच्छा भाई विकेट खूब मिले इसको, बाकी 3 विकेट 29 रन 6 विकेट, यानी फॉर्म है, रन अच्छे बना लेता है प्लस विकेट भी ले लेता है, ट्राई कर सकते हो। टॉम हार्टली 3 मैचों में 139 रन 16 विकेट, मस्ट पिक फिर से रहने वाला है, 25 रन 2 विकेट लास्ट गेम में किया है, इसके अलावा 21-36 5 विकेट, ठीक है। पहले मैच में तो भाई कमाल के रन बना दिए थे, 9 विकेट ले लिए थे दोनों पारी में मिलाकर, इंपॉर्टेंट पिक टॉम हार्टली फिर से रहने वाला है, ठीक है। मार्क वुड की बात करते हैं, 3 मैचों में 9 विकेट है, लास्ट गेम में 4 विकेट निकाला था, तो इस वेन्यू पे भाई पेसर को थोड़ा बहुत एडवांटेज है, तो भाई मार्क वुड ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जेमी एंडरसन के बजाय। बाकी डी लॉरेंस को खिला सकते हैं, 3 मैच में 174 है 12-4, 36-53, बाकी ओली रॉबिसन 4 मैचों में 21 रन है, बाकी ठीक ठाक फॉर्म था, इसको खिलाना चाहिए भाई, अच्छे विकेट लिए ले जाएगा। बात करते हैं मेगा ग्रैंड लीग के जो बेहतरीन पिक रहने वाले भाई, आपकी जीत और हार यही प्लेयर तय करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जीएल और मिनी जीएल में फर्स्ट रैंक पर आना है तो इन प्लेयर्स के बिना वो पॉसिबल है ही नहीं, और हर मैच आप जाकर तीनों टेस्ट मैच की वीडियो उठाकर देखो, एक मैच में नहीं तीनों मैचों में मैंने आपको यहाँ से ट्रंप पिक बताया, वो भी लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर हर बार पिक हुए हैं, ठीक है। आज के मैच में देखो भारतीय टीम की तरफ से ध्रुव जुरेल और रजत पाटीदार, भाई पाटीदार नहीं खेलेगा तो देवदत्त पाडिकल खेलेगा, उसका भी सिलेक्शन पहले मैच में कम ही रहने वाला है, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से बैन स्टोक्स, ओलीपॉप, जेट क्रैवली और मार्क वुड, अब भाई ध्यान से सुन लेना, प्लेयर आपको पक्के मिलेंगे, अगर आपने समझा कंडीशन को, उस हिसाब से प्लेयर लिए तो आप पक्का विन करोगे, ठीक है। अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पारी इंग्लैंड खेलेगी, उस कंडीशन में इन 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर आपके पास होने ही चाहिए भाई, अगर जीएल में आपको फर्स्ट आना है तो आज चलेंगे इनमें से 2 प्लेयर, ठीक है। बाकी मार्क वुड को फिर आप ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा इन 2 में से 1 प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो, यानी 4 प्लेयर में बता रहा हूँ, कम रिस्क लेना चाहते हो, 3 प्लेयर कम से कम आपके पास रहना चाहिए यहाँ से, तभी आप जीएल में फर्स्ट आ पाओगे, ठीक है।
इसके अलावा अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग कर जाती तो इनमें से एक प्लेयर और एक आप मार्क वुड को ड्राइव कर सकते हैं, तीन प्लेयर तो कम से कम आपको यहां से लेने ही होंगे। अब किस प्रकार से लेने होंगे, अब टीमों में किस प्रकार से रखोगे, यहां देखो बेन फॉक्स को रखा है भाई, दोनों में आपको दुर्वा जुरेल को ट्राई करना है, ठीक है। रोहित शर्मा, जसवाल, बेंडक, क्रेवली और सरफराज खान, सरफराज खान, गिल, जसवाल, बेन स्टॉक्स, ओलीपॉप को लिया है डिफेंसली मैंने, ठीक है, और यहां मैंने रोहित शर्मा पे रिस्क लिया है। जडेजा, जो रूट, जडेजा, रविचंद्र अश्विन, जो रूट को मैंने रखा है, ठीक है, मोहम्मद सिराज, टॉम हार्टली, कुलदीप यादव, मार्कुड और टॉम हार्टली को मैंने डिफरेंसली मैंने टीमें बनाई। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई भारतीय टीम अगर पहले खेल जाए यानी फर्स्ट और थर्ड पार्टी दोनों भारतीय टीम की हो, उस कंडीशन में रोहित शर्मा, जसवाल में से फिर से आपको कैप्टन मिलने के हाई चांस है। बाकी बॉलिंग पे अपन आते हैं तो जडेजा अश्विन सबसे कमाल की पिक है, तो ज्यादा टेस्ट मैच में घुमाना है नहीं, इन्हीं में से घूम जाएगा, कैप्टन फिर से आपको मिल जाएगा, टेंशन करने की जरूरत है नहीं अगर भारतीय टीम की तरफ से आप कैप्टन ले रहे हो। बात करते हैं अगर इंग्लैंड की टीम पहले खेल जाए तो भाई फिर आपके लिए कैप्टनसी के लिए मैं बताऊं तो आप जेड क्रेवली या ओली पोप में से एक पे चांस मार लेना, हो सकता है ऐसा हो जाए। बाकी आप वीसी ट्राई कर लेना, एक मैच में ओली पोप ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, ठीक है। बाकी टॉम हार्टली को आप वीसी ट्राई कर सकते हो जो कि इनकी तरफ से बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर लेता है, फिर अगर आप चाहो तो भारतीय टीम से जडेजा को फिक्स कर सकते हो कैप्टन में, ये प्लेयर भी आपके लिए बहुत ही शानदार है, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस है, खूब पॉइंट देता है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।